ऐसे लोगों का पीछा करता था जो शरीफों का नकाब ओढ़कर घूमते थे। मैं सबकी नजरों के सामने छुप सकता था, मैं उसमें बड़ा माहिर था। पर तुम जो कोई भी हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ओके, मेरा नाम जोरस गर्द है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं लाइफ फाउंडेशन में काम करती हूँ। सच्ची? हाँ। वाओ, फिर तो बात यही खत्म। मिस्टर ब्रॉक, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। आपने ड्रेक पर जो भी इल्जाम लगाए थे वो बिल्कुल सही थे, आपने सही कहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहिए, वो अपनी लैब में गरीब लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और वो उन अग्रीमेंट्स पर साइन कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। वो उनका इस्तेमाल अपने टेस्ट के लिए कर रहा है और वो सब के सब मर रहे हैं। तुमने खुद देखा? हाँ। इधर आओ, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि यही सच है। मैंने ड्रेक पर भरोसा किया, मैंने सोचा कि वो भलाई का काम कर रहा है, क्योंकि हम कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे। पर अब बात कुछ और है और इसलिए तो मैं पुलिस के पास जाऊं? मैं नहीं जा सकती, कहीं वो मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा दे। ड्रेक बहुत खतरनाक आदमी है और बहुत ऊपर तक है। जब पहली बार मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो अगले ही दिन मेरी नौकरी चली गई, मेरा करियर खत्म हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा घर छिन गया, वो सब कुछ गवा बैठा जिसकी मुझे बर्बादी। पता है क्यों? कार्लटन ड्रेक ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब अगर तुमने वहां ऐसा कुछ देख लिया जो नहीं देखना चाहिए और तुम्हारे पास सबूत है, तो तुम्हें वाकई में सिर्फ $5 उस फ्री के पेपर के लिए। मैं इतनी दूर चलकर उस वेंडिंग मशीन तक गई, उसमें से पेपर्स निकाले और उन्हें यहाँ ले आई ताकि मैं खुद उन्हें अपने हाथों से तुम्हें दे सकूं। तुमने मेरे लिए इतनी? हाँ, तुम्हारे लिए $5। बहुत महंगे हैं। एक काम करो, तुम $1 में मेरा गाना सुनो, पेपर फ्री में दूंगी। नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें $20 देता हूँ, पर प्लीज तुम गाना मत। डील। थैंक यू। यू वेलकम। नो, यू आर वेलकम। हे मिसेस चैन, कैसे हो एडी? क्या बताऊँ, बस धक्का लगा लगा कर चल रही है जिंदगी। सचमुच थके हुए लग रहे हो। क्या कहा? मैंने कहा कमजोर लग रहे हो। और तुम हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम मेरे बताए तरीके से मेडिटेशन कर रहे हो। कुछ हो रही कुछ नहीं होता क्योंकि तुम कोशिश ही नहीं करते। बल्कि इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारे कजन से जो मैंने DVD खरीदी थी वो चाइनीज में थी। ये तुम्हारी जो गुस्से वाली भाषा है ये भी समझ में नहीं आ रही। नीचा एक बॉटल विस्की और जितना भी ड्रॉर में माल है सब निकाल। अपनी बकवास बंद कर वरना इधर ही ठोक दूंगा। चंदा दे रही है क्या? पूरा माल निकाल अभी।